नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। बिग बॉस 13 में माहिरा शर्मा की जर्नी खत्म हो गई है। माहिरा शर्मा को फिनाले के करीब पहुँच कर एविट होने का दुख है। बीते एपिसोड में माहिरा शर्मा ने एक खौफनाक स्टोरी शेयर की है, जहाँ उन्होंने बताया कि एक बार उनके अंदर आत्मा घुस गई थी। दरअसल बिग बॉस ने पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ शुक्ला को एक टास्क दिया था, जिसमें उन्हें घर वालों को यकीन दिलाना था कि बिग बॉस हाउस में कुछ गड़बड़ है, यहाँ आत्मा या भूत का साया है। पारस छाबड़ा काफी हद तक घर वालों को डराने में कामयाब रहे। आरती सिंह भी मजे लेते हुए माहिरा शर्मा डराती हैं, जिसके बाद माहिरा गुस्सा होते हुए कहती हैं कि वे इन चीजों का सामना कर चुकी हैं, इसलिए ऐसे मजाक ना किए जाए। माहिरा ने रश्मि देसाई और शहनाज गिल को अपनी भयावह कहानी सुनाई। माहिरा ने बताया कि एक बार सीरियल के सेट पर उनकी तबीयत खराब हो गई थी। लोगों का दावा था कि वहां के वॉशरूम में कुछ गड़बड़ है। सेट पर माहिरा को काफी अजीब लग रहा था, जिसके बाद पैकअप हो गया। घर आने के बाद माहिरा की तबीयत बिगड़ गई। वे वॉशरूम में गई तो वहां मिरर में शायरी लिखी हुई थी। उन्हें लगा कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए वे ऐसा फील कर रही हैं। वे शायरियां पढ़ने लगी। माहिरा ने बताया कि वे होश में नहीं थी। सोते हुए उन्हें लगा कि कोई आत्मा उनके शरीर में प्रवेश कर रही है। इसके बाद वे चिल्लाई, तब उनकी माँ और भाई आए। माहिरा ने बताया कि इस दौरान वे काफी अजीबोगरीब हरकतें कर रही थीं। एक्ट्रेस ने कहा कि वे अपने नाखून से दीवार पर खरोंच माच रही थीं। वे शुद्ध बुधवार के वहां बैठी थीं। माहिरा ने कहा, मेरे भाई और माँ ने कुछ मंत्र पढ़े, जिसके बाद मुझे काफी उल्टी हुई, तब जाकर मैं ठीक हुई। मालूम हो, पारस को ये स्टोरी माहिरा के भाई ने फैमिली वीक में बताई थी। उन्हें इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ था।